से हमारे साथ सौरभ जुड़े हैं। सौरभ जी नमस्कार, किस टॉपिक पर सवाल है आपका? ये मैडम IEX के शेयर जो है वो 271 के भाव के लिए 400 शेयर। ओके, काफी पहले की खरीद लग रही है आपकी जी जी और जी नुकसान मैडम भी भारी हो रहा है इस स्टॉक में। क्या सजेस्ट करेंगे जी? नितिलेश जी क्या सजेस्ट करेंगे IEX पर? 271 तो काफी ऊपरी लेवल्स थे और जब स्टॉक में चलिए नितिलेश से संपर्क वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। रतनेश जी आप बताइए IEX में क्या करें? 271 पर बहुत ही हाई लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ था और स्टॉक में अच्छी तेजी भी आई थी, बट उसके बाद एक गिरावट आई। अब फिर से निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है IEX में, बट क्या करें? इनको तो काफी भारी नुकसान हो रहा है। अभी फिलहाल बने रहें या फिर निवेश को स्विच कर लें अपने? इनके खरीदी का स्तर काफी ऊंचे लेवल का है, तो यहाँ से उस लेवल तक की तेजी आना इतनी जल्दी अभी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं दिख रहा है। या तो काफी इनको लंबा समय अपने इस निवेश को देना पड़ेगा। तो मेरी तो सलाह यह रहेगी, अभी इनमें एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपना 145 का, क्योंकि तेजी जरूर इसमें चालू हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजी है 180-190 तक रुपए तक के लिए लेके जा सकती है। तो थोड़ा सा अगर इनके पास निवेश के लिए और थोड़ा पैसा हो जो कि थोड़ा सा बिना स्ट्रेस लिए निवेश कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा एवरेज कर ले, कहीं पे भी 180-190 तक आता है तो फिर वहां पे अपना एग्जिट कर ले पोजिशन में से। IEX को लेकर ये व्यू रत्नेश का। आगे बढ़ेंगे, कृष्णा का सवाल लेंगे, इंस्टाग्राम से आया है और इनके पास है शेयर LIC हाउसिंग के। 8,000 शेयर हैं 386 रुपए के भाव पर, और 386 वाले शेयर पर इनको प्रति शेयर 50 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। रत्नेश, LIC हाउसिंग हमने देखा था कि पिछले महीने ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर गिरा था, वहां से थोड़ी रिकवरी की कोशिश चल रही है। और अगर हम हाउसिंग को और हाउसिंग फाइनेंस को और रियल एस्टेट को अगर क्लब कर दें, तो हमने देखा था हाल फिलहाल बड़े अच्छे नंबर निकल के आ रहे हैं हाउसिंग कंपनीज की तरफ, रियल एस्टेट कंपनीज की तरफ से। LIC हाउसिंग ऐसे तो इसका स्ट्रक्चर आपको कमजोर ही दिख रहा होगा, लेकिन आप सलाह अभी क्या देंगे? हाउसिंग का सही बात का आपने बोली कि स्ट्रक्चर इसका जरूर कमजोर है, क्योंकि मैं हमेशा से ये सलाह देता हूँ अपने निवेशकों को और आपके चैनल के माध्यम से भी, कि स्टॉक हमेशा हम ऐसा चुनना चाहिए जो मार्केट के साथ परफॉर्म करे या एटलीस्ट आउट परफॉर्म करे, एटलीस्ट मार्केट के साथ परफॉर्म करे। आप देखेंगे बाजार में जितनी भी तेजी आई है इसमें किसी भी तरह का इसको फायदा नहीं मिला, नहीं किसी तरह का पार्टिसिपेट इसने करा, हालांकि इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक मैं अभी सलाह दूंगा इनको कि कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जरूर लगाए। मेरे मेरी तरफ से इनको सलाह रहेगी कि 300 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले। एक बार इनको कहीं ना कहीं इस तेजी में मेरे हिसाब से 380-385 का भाव इनको देखने को मिल सकता है, तो वहां पे से एग्जिट कर ले, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए 300 रुपए का। LIC हाउसिंग को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से विजय शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन।